दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों, आज का एक सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका सुझाव मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है कि डीएलएड 2017 बैच के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटेट मान्य नहीं है। अगर सीटेट मान्य नहीं है तो वो अपनी पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं रख रहे हैं। क्या यह सही है? क्या ऐसा करना उचित है? क्या उन्हें जो सीटेट देने की परीक्षा है क्या उसे पूरे मनोयोग के साथ देनी चाहिए अथवा नहीं? इसके लिए हम आपको अपना सुझाव प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है यह सुझाव आपको बेहतर लगे। पहली बात, अगर आप डीएलएड 2017 के हैं तो आपको यह बात पता होगा कि आपका सीटेट मान्य नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई पूरी तरह मनोयोग के साथ नहीं कर रहे होंगे जिस उद्देश्य के साथ आपको करना चाहिए। चलिए, इसी के लिए पहले मैं इस बात को पूरा डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद कहानी से आपको एक बड़ी सीख मिल जाए। एक लड़का था, वो काफ़ी दिन से परेशान था कि जब परीक्षाएं देता है वह उसे अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाता था, वह असफल हो जाता था। वह इस बेरोजगारी के आलम से बहुत परेशान था। तो वह ये सोचा कि मैं इस बेरोजगारी के आलम से कैसे निपटूं, या मैं इस बेरोजगारी के आलम से कैसे ख़त्म करूं, या मैं कैसे नौकरी पाऊं, यह सोच रहा था वो। तो एक लोगों ने बताया कि आप एक बाबा जी के पास जाइए, वो शायद आपका यह सुझाव दे या कोई आपका इसका निदान करे समस्या का। तो बालक शाम के समय एक बाबा जी थे नदी किनारे, उनके यहाँ पहुँचा। कहा, बाबा जी मेरी ये समस्या है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान हूँ और आप बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, परीक्षा कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मैं सफल नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा काम करो, तुम कल सुबह आना। तो जब लड़का कल सुबह गया तो बड़े रात भर सोया नहीं, खुश था कि बाबा जी के पास जाऊंगा और सुबह बाबा जी कुछ ऐसा बताएंगे मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। तो यह सोचकर बालक सुबह समय से पहले बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी साथ में लिए, क्या चलो बेटा नदी में चलते हैं। मारे खुशी के वो लड़का नदी में गया। नदी की तरफ अंदर की तरफ बढ़ते गए, लड़का और बाबा जी दोनों कदम दर कदम नदी के बीच में पहुंचे। जब पानी कमर के ऊपर तक आया तो बाबा जी ने कहा रुको, रोकने के बाद उसकी गर्दन पकड़ी और डाल दिया पानी में। जब गर्दन उसकी पानी में डाल दिया तो लड़का क्या हुआ, सोचा कि लगता है बाबा जी कुछ बताएंगे। और कुछ सेकंड बीता, सांस फूलने लगी पानी में, तो सोचा कि हो सकता है बाबा जी कुछ बताएंगे। वो इंतजार करता रहा। कुछ सेकंड और बीते, अब उसकी सांस फूलने लगी, सांस ज़्यादा फूलने लगी और वो व्याकुल होने लगा। सोचा हो सकता अब बाबा जी कुछ बताएं, इसलिए कुछ क्षण और इंतजार किया। कुछ क्षण बाद और, अब उसे ये लगा, दम घुटने लगा उसका। अब उसे ये लगा कि मैं मर जाऊंगा पानी में। फिर यह सोचा कि हो सकता है बाबा जी कुछ बताएंगे और मैं नौकरी कर लूँगा। लेकिन जब उसे यह लग गया कि अब तो मैं मर जाऊँगा, अगर मैं बाहर नहीं निकला तो इस जल में मेरी समाधि बन जाएगी और मैं मर जाऊँगा, यह सोचकर कि अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, और तुरंत तेजी से झटकता है पानी में से अब बाहर। बाबा जी दूर जाके पानी में ही गिरते हैं। वो खड़ा होता है, बाबा जी को भला बुरा कहता है। कहता है, बाबा जी मैं आपसे यह पूछने आया था कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी और आप क्या है कि मेरी गर्दन पकड़ कर मुझे मारने पर तुले थे। बाबा जी ने कहा, अच्छा पहले शांत हो जाओ। और शांत होने का नाम ले रहा था, कुछ मिनट के बाद वह शांत हुआ। फिर बाबा जी ने पूछा, ये बताओ अब मुझे झटका क्यों? उसने कहा कि बाबा जी मैं आपसे पूछने आया, मुझे जान से मारने पर तुले थे तो क्या करता मैं आपको? कहें, बेटा अच्छा ये बताऊँ, जब मैंने आपकी गर्दन पहले पानी में डाली थी तो फिर आपने मुझे इस तरह से क्यों झटका नहीं? तो उन्हें कहा, बाबा जी मुझे लगा कुछ बताएंगे। कहा, अच्छा उसके बाद? क्या लगा कि आप कुछ बताएंगे? क्या उसके बाद? क्या लगा आप शायद बता दें? क्या फिर? कहें, जब ये लग गया नहीं मुझे जान से मार देंगे या मुझे मेरा बचना मुश्किल है, तब मैंने ऐसा किया। तो बाबा जी ने कहा, बस यही मैं भी आपको सिखाना चाहता था। आज अगर आप असफल हैं, अगर आज आप एक सफल अभ्यर्थी नहीं हो पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। कहें कैसे? कहें देखिए, जब हम जिस दिन एडमिशन लेते हैं किसी संस्था में, जैसे आप BTC कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, या हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब हम एडमिशन लेते हैं उस समय हम नहीं पढ़ते। फिर कब पढ़ते हैं? परीक्षा का फॉर्म भर लेते हैं, परीक्षा का फॉर्म भी भर लेते हैं तब तक नहीं पढ़ते। फिर परीक्षा की तिथि आ जाती है तब ही नहीं पढ़ते। फिर जब एडमिट कार्ड हमारे हाथ में आ जाता है तब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, या तो यदि परीक्षा आ जाए आज के बाद, फिर 4 दिन बाद है, कहते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो जिस तरह परीक्षा की रात में पढ़ते हैं, अगर उस तरह हम पूरे साल पढ़े, पूरे सत्र पढ़े, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें सोचते हैं मेरा मान्य नहीं होगा, हम अभी नहीं से पढ़ते हैं, जब मान्य होगा सीटर तब पढ़ेंगे। वैसा करके हम उसी बच्चे की भांति अपने आप को गुमराह करते हैं। जिस तरह हम परीक्षा की रात पढ़ते हैं, उस तरह अगर पूरे वर्ष, पूरे जीवन पर्यंत पढ़े, तो आपको सफल होने से, आपको एक जो बेरोजगारी का आलम है इसे दूर जाने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में बेरोजगारी पे मैं भी इस समय तो एक बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी पे मैं एक वक्तव्य अपना या एक अपना सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, वास्तव में आप बेरोजगार हैं, नो डाउट, लेकिन
जो वैकेंसी आती है उनकी पद बहुत कम होते हैं और बेरोजगारी संख्या ज्यादा होती है, तो सफल कौन होता है पता है? अभी लोअर पीसीएस का पाया पद, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन सफल कितने होंगे? जितने पद होंगे, और वही होंगे। आज हम फॉर्म भरेगा, आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, और एक बंदा लगातार 3 साल से वो तैयारी कर रहा है, वो मुझसे आगे, मैं आगे हूं। अगर सीटेट आपका माने नहीं है, आप अभी से सीटेट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ज्ञान आपका बाहर जाएगा या ज्ञान आपका गाली देगा, वह ज्ञान आपके पास संचित रहेगा, और तब तक संचित रहेगा, फिर अगला सीटेट आप देंगे, तो अगले सीटेट तक क्या होगा? वह आपका ज्ञान संचित रहेगा। जब वो बेटा पढ़ना शुरू करे, जब वो लड़का पढ़ना शुरू करेगा, तब आप क्या करेंगे? रिवीजन करना शुरू करेंगे। लेकिन हम आप क्या कहते हैं, नहीं, इस बार का सीटेट मान नहीं है, इस बार का सीटेट हम नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप पूरी दुगनी मेहनत से करिए, और इसी बार सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपका सीना गर्व से अपने आप में चौड़ा होगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अभी आप अभी प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ते हैं, वह सिद्धांत आपके ऊपर फॉलो होगा, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, और अगली बार आप कुछ बेहतर करेंगे। और कि आप जानते हैं ना, टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और दूं, जैसे ये सीट है, ये पूरा यहाँ पे अगर आपको टॉप करना है, जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा होता है, जो टॉप करता है, जो बेहतर अंक अर्जित करता है, उसे सदैव डर रहता है कि अगली परीक्षा में इससे कम नंबर ना पाऊं, इसलिए ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन जो इस पायदान पर होता है, उसे इस बात का कोई डर नहीं होता, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, लेकिन इसे सदैव डर रहता है, इसलिए टॉप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस स्थिति को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। आप भी आप अगर सीटेट के फॉर्म भर दिए हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेगा और ये प्रयास करेगा, यही सीटेट आपका मेन है, और यही सीटेट आपको क्वालिफाई करना, सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं, इस बारे में अगली बार पढ़ूंगा। अगर अगली बार पढ़ेंगे तो आप अपने आप से समझौता करें, क्योंकि आपके साथ पूरा भारत पढ़ रहा है, पूरा प्रदेश पढ़ रहा है। और अगर 30,000 पद आएंगे, आप भी फॉर्म भरेंगे, तो उसका होगा, अरे भैया मैं अभी जनवरी से पढ़ रहा हूं, ठीक, रिटर्न टेट मैं अभी से पढ़ रहा हूं, सुपर टेट अभी से पढ़ रहा हूं, और आप जब परीक्षा के एक महीने से पढ़ेंगे, तो आप सफल होंगे कि मैं सफल होऊंगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं रिवीजन करना शुरू करूंगा। इसलिए सफलता का मानक, सफलता की आदत, रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कहा कि सर मेरा तो डी एल एड है, माने नहीं होगा, हम नहीं पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे। आपने सही फैसला लिया है, लेकिन जरा इस फैसले को आप एक बार मनन करिए कि आपने छोड़ दिया। हो सकता है कुछ बालक ऐसे हों जो अभी से लगना शुरू कर दें, वो अब सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, अगली बार पुनः सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, और जब सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, यूपीटेट की दिक्कत नहीं, कि सीटेट दो बार होना है इस बार, आपको शायद पता भी हो गया होगा। और सीटेट क्वालिफाई होने के बाद यूपीटेट की कोई दिक्कत नहीं, 7 साल तक केवल सुपर टेट देना है, उसके बाद अन्य परीक्षा भी आप दे सकते हैं। इसलिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं, अगला टारगेट सुपर टेट, क्योंकि हम आप क्या करते हैं, उस बच्चे की भांति जब सुपर टेट का फॉर्म आएगा, परीक्षा का फॉर्म भर लेंगे, परीक्षा तिथि आ जाएगी, तब पढ़ना शुरू करेंगे। और एक बंदा है जो शुरू से पढ़ रहा है, अगर ऐसे संख्या 25,000 हुई, तो 25,000 सीट उनकी रिजर्व हो गई, हम आप उसमें एंट्री कहाँ कर पाए? इसलिए अगर आपको सफल होना है, तो एक सिरे से, एक चाल से लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप से समझौता ना करिए, क्योंकि इस समय सफलता का मानक रेगुलरिटी, मेहनत, आपका कर्म, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये नहीं है कि मैं सफल नहीं हो पाया, इसमें मेरी, मेरे पिताजी की, अन्य की गलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सफल हो सकते हैं, इसके लिए आपके लिए रेगुलरिटी बहुत माने रखती है, और रेगुलर रहना बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को अपने आप से मनन करिएगा, सोचिएगा क्या पढ़ा। वो लोग कहते हैं ना, माता पिता भी बचपन से कहते आते हैं, बेटा सब कुछ सब बात लेंगे, बांट लेंगे, लेकिन ज्ञान जो है वो नहीं बांट सकते। इसलिए आप ज्ञान के भंडार को लगातार बढ़ाते रहिएगा, और ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा माने नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप सदैव पढ़ते रहिएगा। इसलिए एक कहानी इस पर और सुनाएंगे, लेकिन किसी और दिन। लेकिन इसलिए मैं आपसे पुनः यह बताऊंगा या कहना चाहूंगा, आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी दोनों के फॉर्म अगर भरे हो तो ठीक है, नहीं भरे हो तो भर लीजिएगा, और हाँ, दोनों की परीक्षाएं दीजिएगा, और पूरे मनोयोग के साथ दीजिएगा, यह सोचिएगा यह आपकी अंतिम परीक्षा है, क्योंकि यह ज्ञान आपका, यह ज्ञान आपके पास रहेगा, यही ज्ञान आपको केवीएस और नवोदय विद्यालय में काम देगा, डीएसएसबी में काम देगा, और हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो आप जैसे यूपी की वैकेंसी हो ना हो, आप केवीएस और नवोदय विद्यालय में हो जाए। इसलिए सीटेट को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ेगा, और यह कभी मत सोचेगा कि यह परीक्षा या पढ़ा हुआ ज्ञान आपका बाहर जाएगा। आज मैं आप सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरी उम्र अन्य व्यक्तियों की उम्र से कंपेयर करेंगे तो लगेगा बहुत कम है, लेकिन यह एक दिन की मेहनत नहीं है, ये कई वर्षों की, एक एक पल, एक एक सेकंड को बचा के रखा, तब आज मैं आपके सामने बोल पाता हूं और आप सुन पाते हैं। जब आप होलियां मनाते थे, जब आप दीपावली मनाते थे, तो शायद उस समय मैं किताबों में चिपका रहता था, आज भी है ऐसा नहीं, मेरे लिए बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जो आते हैं चले जाते हैं, इस उम्मीद से कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा, उसका अगला दिन मेरी दिवाली, मेरा होली, मेरा दशहरा, मेरा त्यौहार, सब कुछ होगा। लेकिन अभी तक जब तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, मेरे लिए मेरा त्यौहार, मेरा एम, मेरा सफलता, मेरी आने वाला जो भविष्य, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत किया, वो है मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष दर वर्ष अपने हर त्योहारों से मैं लगातार समझौता करता रहूं। आपके लिए नया साल आता है, नया साल मुबारकबाद देते, मेरे लिए प्रत्येक सुबह नया साल होता है, क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग बस ये रहता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको कैसे पढ़ाना है, बस मेरे दिमाग में हमेशा यही बातें चलती रहती है, कैसे मुझे अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है। और जिस दिन हम बेस्ट देने में कामयाब हो गए उस दिन हमें सफलता से कोई नहीं रुक सकता। इसलिए आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग संख्या बहुत कम होगी जो परीक्षा के पहले से लगातार पढ़ते हैं और सफल वही होते हैं। कहते हैं ना कि 30,000 आए हैं और 15 लाख लोग फॉर्म भरे, तो वास्तव में वह 30,000 वही सेलेक्ट होते हैं जो लगातार शुरू से मेहनत करते रहते हैं। और आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, अपने काम से अपने मेहनत से कोई समझौता ना करिएगा, और साथ ही साथ मेरे लायक जो भी मुझसे होगी जरूरत मैं बताइएगा। और थर्ड सेमेस्टर की गणित में जिनको बैक लगता है उनके लिए मैं अगले संडे से 4 घंटे की लाइव क्लास लाऊंगा और प्रयास करूंगा एक दिन में 2 अध्याय खत्म कर दूं। तो आप लोग अगर सहमत हो तो थर्ड सेमेस्टर की गणित की पूरी वीडियोज में आपको दूंगा। आप मुझे इसमें लिंक में या नीचे बता दीजिएगा कि किस राइटर की बुक से हम आपको पढ़ाएं या कौन कौन से राइटर की किताब आपके पास है डीएलएड की, उन्हें किताबों को मैं लेके मार्केट से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, ताकि आप डीएलएड परीक्षा आने से पहले आप गणित पूरा प्रिपेयर रहे, सीटेट पूरा प्रिपेयर रहे, और आप अगली बार तुरंत सुपर टेट की लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि अभी का अर्जित ज्ञान आपको हमेशा काम देगा। क्योंकि जिस समय लोग पढ़ना शुरू करेंगे आप रिवीजन करना शुरू करेंगे और आप हंस कर चलेंगे, मौज करते हुए चलेंगे, और आप ही जैसे लोग सफल होंगे। क्योंकि जिस समय सीटेट परीक्षा होगी उस दिन 5 दिन पहले आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर देंगे, बेशक वो आपका मान्य ना हो, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में यह बात आ गई कि यह परीक्षा मेरे लिए मान्य नहीं है, उस दिन आप पूरे लगन के साथ पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरा एक अनुरोध है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेगा यह सोचेगा यह परीक्षा आपकी जिंदगी का अंतिम परीक्षा है, यह सोच के मेहनत करिएगा और सफल होकर दिखाइएगा। देखिएगा सफल होने के बाद महसूस करिएगा अपने दिल की आत्मा की आवाज़ कि क्या कहती है कि मेरा मान्य नहीं था फिर भी मेरा 110-115 है। उनका जाके देखिए जो दिन रात एक करके पढ़े थे वो तो 90 नहीं पहुंच पाए। उस समय सर आपके अंदर जो गर्व होगा ना वो शायद ही किसी अन्य चीज़ से प्राप्त हो, वो खुशी शायद ही किसी अन्य चीज़ से उसकी तुलना की जा सके। इसलिए आप मेहनत से पढ़िएगा। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे इलर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना टाइम व्यर्थ करते हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे एजुकेशन कोई ग्रुप दीजिए, तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, एकदम सेफ है, कोई किसी का नंबर नहीं दे सकता, पूरी तरह से सेफ प्लेटफॉर्म है। और पढ़ते रहिए, क्योंकि यह उम्र पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ने की इतर कुछ करते हैं तो 29,000 जो पद के बाहर रहते हैं उनकी कैटेगरी माफ हो जाएंगे। बस ये सोचिएगा कि बस अपने दिल में एक बात छोटी सी बात रखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे देश से IAS के लिए लगभग 17-18 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 900 ही चयनित होते हैं। क्यों, वो 900 कौन होते हैं? मैंने भी 17-18 का मेंस लिखा था, तो मुझे भी इस बात का गर्व था, मैं पूरे भारत से 13,000 शॉर्टलिस्टेड में से मैं भी एक पर्सन था। इसलिए मैं उनमें से, उन पूरे भारत वालों में से मैं 13,000 में से हूँ, मतलब अन्य लोगों से मैं अलग या डिफरेंट हूँ, इसलिए मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ था। इसलिए आप भी यह बात अपने दिल में रखिएगा कि आप उनसे बेहतर हैं, बेहतर करिएगा, और मुझे पता है आप बेहतर हैं और बेहतर परिणाम देंगे। इसलिए रेगुलरिटी, अपने काम से कोई समझौता नहीं, क्योंकि यह उम्र जो 18 से 27 जिसने सब कुछ छोड़कर अपने जिंदगी बेस्ट दिया, उसके लिए पूरी जिंदगी वो लाइफ का अपने भरपूर मजा लेगा, लेकिन जो इस समय मजा करेगा वो जिंदगी के आने वाले समय में जो 27 के बाद शुरू होगी उसके लिए कठिनाइयों भरा सफर होगा। इसलिए आप सभी से मेरा पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लिंक को अपने सभी डीएलएड के साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो अगर यह सोच के रखे हो कि नहीं मैं ये नहीं परीक्षा दूंगा या मुझे इस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनके अंदर से ये बात निकल जाए, क्योंकि हर एक परीक्षा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, गलती करके जो सीखता है वो कभी कभी भविष्य में असफल नहीं होता, इसलिए हमें अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर ये परीक्षा मनोयोग के साथ देंगे, हो सकता है खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती ऐसी हो जाए तो उस गलतियों का अगली परीक्षा में मूल्यांकन करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, अन्यथा इस बार अगर परीक्षा हल्के में ले लिए अगली बार कोई गलती करेंगे उनका मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। इस बात के लिए आप सीटेट सुपर टेट में हर बार 30,000 से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ओमार में गलती कर बैठते हैं, तो मैं चाहूंगा ऐसी गलती आपसे ना होने पाए, वरना आप उस रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिएगा, अगर ये मान्य नहीं है हो सकता जो गलतियां होने वाली हो इसी बार हो जाए, और आप अपनी गलतियों से सीख ले, अगली बार कोई गलती ना हो, और आपका वह दोस्त जो ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है वो अगली बार गलती कर जाए, तो आप उससे कहेंगे कि मैंने कहा था कि आप उसी समय अगर फॉर्म को पूरे मन के साथ दिए होते तो गलतियां जो होनी होती हो वहीं हो गई थी। और दूसरी बात,
शिक्षा को कभी भी पैसे से नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मुझे भी मिले और शायद आपको भी मिलेंगे, क्योंकि आप भी एक टीचर होने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम डॉक्टर दिखाने जाते हैं, कपड़ा दिखाने जाते हैं, तो उसके भी अलग अलग प्राइज होते हैं, ऐसे हर क्षेत्र में होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ इतने में, वहाँ इतने में, वहाँ इतने में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, मैं जौनपुर जैसे शहर में हूँ, अगर यहाँ पे जीएस की कोचिंग करनी होती है तो लोग 12 से 15 हज़ार रुपये मानते हैं, तो इलाहाबाद में जाते हैं वही कोचिंग 24 से 30 हज़ार रुपये, फिर दिल्ली में जाते हैं वही कोचिंग 2.5 लाख रुपये में। आखिर पानीपत का प्रथम युद्ध अगर 1526 में हुआ है तो वह जौनपुर में कम पैसा लेते हैं 28 में कराएंगे, या दिल्ली में 2.5 लाख रुपये लेते हैं, जैसे मैं भी दिल्ली रहा हूँ मुखर्जी नगर, तो क्या वो वहाँ 24 में करा देंगे, भैया मैंने यहाँ से पैसा ज़्यादा लिया? नहीं कराएंगे, हर जगह 1526 ही बताएंगे। बस फर्क क्या है, क्यों कहीं 10,000, क्यों 25,000, क्यों 1.5 लाख, क्यों 2.5 लाख, क्यों? क्योंकि वह टीचिंग मेथड का अंतर होता है। जैसे हर कपड़े 10 रुपये मीटर नहीं होते और हर कपड़े 100 रुपये मीटर नहीं होते, कुछ 1,000 के होते, कुछ 20 के होते, कुछ 250 के होते, कुछ 150, लेकिन हम आप कहते हैं अरे सीटेट तो पढ़ा रहे, वो भी पढ़ा रहे, ये भी पढ़ा रहे, क्या अंतर है? यही अंतर होता है। डॉक्टर जब दिखाने जाते हैं तो कहते हैं ये झोला छाप डॉक्टर है, ये MBBS MD डॉक्टर है, ये नाक के स्पेशलिस्ट हैं, आँख के स्पेशलिस्ट हैं। क्यों? हम आँख की दर्द होती है तो हम हड्डी के डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते, आँख के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वही चीज़ें, वही रूल हर क्षेत्र में फॉलो होती है, लेकिन हम आप कंपेयर करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सर उनकी क्लासेस तो 500 रुपये में ऑनलाइन चल रही, सर उनकी क्लासेस तो 200 रुपये में ऑनलाइन चलती रहती, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आती है उस बात को सुनकर कि एक अध्यापक है और आप एक अध्यापक होने के नाते, एक अध्यापक होने भावी अध्यापक होने वाले हैं, और इस तरह के आप प्रश्न करते हैं, आप कभी एनालिसिस नहीं करते। कभी सोचिए, सीटेट सोचने पे डिपेंड करता है, आप सोचिएगा, शायद इसका रिजल्ट आपको स्वतः मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग मेहनत के साथ पढ़िए, जो मेरे लायक मदद हो बताइएगा। मैं अगले संडे से, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले संडे से प्री लाइव क्लास लगभग 3 से 4 घंटे की प्रतिदिन लाइव आके, मैं एक महीने में 4 संडे होती, जितनी छुट्टियाँ पड़ेंगी उन सभी छुट्टियों को मैं आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। उन सभी छुट्टियों में आपको मैं थर्ड सेमेस्टर का मैथ और कुछ देर बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर की मैथ पढ़ा के मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा मैथ था। मैथ के लिए आप अपनी किताबों के नाम बता दीजिएगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समस्याएँ ना आने पाए। और अमित सर जी मेरे लीडरशिप में, अमित सर जी रेलवे की बैच शुरू करने जा रहे हैं और वह बैच पूरी तरह से लाइव होगी, और उसमें अगर आप सब सहयोग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। और हाँ, तैयारी अपनी लगातार रखिएगा, अपनी पढ़ाई और तैयारी के साथ कोई समझौता मत करिएगा, क्योंकि इस बेरोजगारी की भीड़ में सफल वही होगा जिसकी मेहनत क्रमिक और लंबी और सुव्यवस्थित ढंग से होगी, वही अंतिम रूप से चयनित होगा। क्योंकि जो चयन का पैमाना है वह अब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वही सफल होगा जिसकी मेहनत में आप जैसा काबिलियत, आप जैसा दम होगा। तो मेरी बातों का अगर आपको बुरा लगा हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, अगर पहुंचा देंगे तो आप उनकी शायद मदद कर दें, आप उन्हें मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।